नवी मुंबई के कोपर घेरने में डोंगरी विकास संघर्ष समिति की बैठक हुई, जहां राज्य सरकार द्वारा डोंगरी क्षेत्र के नागरिकों की उपेक्षा पर सवाल उठाया गया। कार्यक्रम का आयोजन समिति के प्रवर्तक बालासाहब शिंदे द्वारा किया गया था, जहां फाइटर तानाजी सावंत ने डोंगरी रहवासियों की हालत पर प्रकाश डाला और जरूरी सेवाएं सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में आज भी नागरिक मौलिक सुविधाएं से वंचित है, लेकिन राज्य सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। आज कोपरखेरना में आयोजित डोंगरी विकास संघर्ष समिति की बैठक में यहां सवाल उठाते हुए सरकार ने अपेक्षित ध्यान देने और डोंगरी क्षेत्र के रहवासियों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। समिति के प्रवर्तक बालासाहेब शिंदे ने कहा कि सरकार ने 2019 से 20 में पहाड़ी इलाकों में सर्वांगीण विकास के लिए 95 करोड़ का बजट प्रदान किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि सांगली जिले के 56 गांव और 365 बस्तियां, सातारा जिले के 61 गांव और 349 बस्तियां आज भी पानी के लिए तरस रही है। वहां लोग टैंकर के पानी पर जोर दे रहे हैं। बैठक में फाइटर तानाजी सावंत एवं वरिष्ठ समाज सेवी अश्विन गोले ने प्रबोधन करते हुए डोंगरी क्षेत्र के विकास के लिए निधि में बढ़ोतरी करने एवं अधिक जरूरतमंद इलाकों पर विशेष ध्यान देने की मांग की है। यह स्वतंत्र डोंगरी विकास महामंडल बनाने, पानी की किल्लत दूर करने, आर्थिक उन्नति की योजना चलाने और क्षेत्र के युवाओं, शिक्षित बेकारों के लिए नौकरी में प्राथमिकता देने समेत 15 मुद्दे रखे गए, जो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।